अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका होस्ट है मिजाज, अवामी कंप्यूटर कॉलेज शकरगढ़। आज मैं आपको करवाने जा रहा हूँ फ़ोटो फिल्टर का लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 5 में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी पिक्चर को इफेक्ट कैसे दे सकते हैं, कैसे मुख्तलिफ कलर दे सकते हैं, दो कलर में पिक्चर को कैसे चेंज कर सकते हैं, सिंगल कलर में आप कैसे चेंज कर सकते हैं और डबल में कैसे चेंज कर सकते हैं। ये सारा कुछ आज आपको बताऊंगा। उसके बाद इसे रेन इफेक्ट वगैरह कैसे दे सकते हैं। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज स्टार्ट करेंगे यहाँ से, ग्रेडियंट से। अगर आपकी कोई भी पिक्चर है, आप उसे डबल कलर में चेंज करना चाहते हो, दो कलर के इफेक्ट देना चाहते हो, तो उसके लिए आपने सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करना है। तो ये देखें, एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया ग्रेडियंट का। अब आपने यहाँ पे कलर चूज करने हैं, जिस कलर में आप पिक्चर को चेंज करना चाहते हो या चुन से कलर आप इसे इफेक्ट देना चाहते हो। तो सबसे पहले आपने कलर 1 सेलेक्ट करना है, यहाँ से कलर चूज करना है, सेकंड वाला कलर यहाँ। तो ये देखें, अब यहाँ डायरेक्ट प्रीव्यू पे क्लिक कर दें आप, ताकि आपको साथ साथ नज़र आते रहे कि आपने कौन सा कलर दिया है, इस पर सूट कर रहा है कि नहीं। यहाँ से आप ओपेसिटी अगर आप कम करते हो तो इसका कलर लाइट हो जाएगा। ये देखें, पैरेट कलर को कम किया है, ओपेसिटी इसकी कम की है, तो ये देखें लाइट हो गया कलर। जितनी ओपेसिटी आप बढ़ाते जाओगे उसका कलर डार्क होता जाएगा। इसे भी सेट करते हैं। तो ये देखें, उसके बाद इसकी नॉइस ये करके चेक कर लें। ये देखें, इसे आपने काम ही रहने देना, इसका रिजल्ट अच्छा रहेगा। आप चेक कर सकते हैं इसे, इस पर क्लिक करें। अब इसे थोड़ा जूम कर लें। अब इसकी नॉइस चेक करें कि इसका क्या इफेक्ट होता है। तो ये देखें, तो इसे आपने काम कर देना। यहाँ पे आप क्लिक करके सिर्फ यहाँ सिंगल कलर सेलेक्ट कर सकते हो। ये देखें, तो यहाँ से आप डबल सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से आप इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। अगर आप लेफ्ट पे क्लिक करते हो तो फर्स्ट वाला लेफ्ट पे जाएगा, राइट पे क्लिक करते हो फर्स्ट वाला राइट पे आ जाएगा कलर। आप डाउन जिधर जिधर आप क्लिक करते जाओगे, आपके कलर की डायरेक्शन वैसे वैसे चेंज होती जाएगी। ये चेक कर लें। तो ऐसे आप पिक्चर को डबल कलर में चेंज कर सकते हो। उसके बाद अगर आपने यही कलर रहने देना, इसका यही कलर रखना है, तो लास्ट पे आपने ओके कर देना, नहीं तो आपने कैंसिल कर देना। ये था कि आप पिक्चर को डबल कलर में कैसे चेंज कर सकते हो। उसके बाद आपको बताता हूँ कि सिंगल कलर में आप पिक्चर को कैसे इफेक्ट लगा सकते हो। उसके लिए आपने यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ से कोई भी कलर चूज करना है, उस कलर पे आप क्लिक करो, ओके कर दो। तो ये देखें, उसी कलर में पिक्चर चेंज हो गई। यहाँ से अनडू करते हैं, दोबारा पहले वाली आ गई। दोबारा यहाँ पे क्लिक करते हैं, मेथड 2 पे क्लिक करते हैं। तब इसमें देखें, ये जो कलर इधर शो हो रहा था अब इधर शो होगा। ये देखें, ये चेक कर लें। ब्राउन करने बाल, ये देखें हेयर कलर चेंज हो गया। यहाँ से जो भी कलर आप दोगे उसके बाद उसका कलर वही हो जाएगा। ये देखें, हेयर कलर चेंज हो गया। तो ये था ग्रेडियंट।
इससे हम डबल कलर में पिक्चर को इफेक्ट देते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि आपने सिंगल कलर में कैसे चेंज करना है। उसके बाद ये देखें इसकी भी ओपेसिटी है, इसे कम करें। ये देखें कलर चेंज हो जाएंगे, यहाँ से भी आप इसके कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से कोई भी कलर जितना रखना आपने, उसके कलर की ओपेसिटी कितनी होनी चाहिए, डार्क होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, तो यहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे ये ब्राउन करना तो यहाँ पर आने, ये ठीक है, ये इतना ठीक है, तो आप यहाँ पर क्लिक करके ओके कर दें। तो ये देखें, तो ऐसे आप पिक्चर को इफेक्ट दे सकते हो। आज का लेक्चर यहाँ तक ही, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो मिलती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।